Hi dosto, welcome to Blue Pen Blue Marker. So this time you are looking at this book, Story of English, Rainbow. We are going to do the section 9th of this book. This is the story of poetry. जो history of literature है दोस्तों, इसमें जो 9th section है, हम लोग द स्टोरी ऑफ पोएट्री को वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर लेते हैं. देखिए, आपको भी इससे फ़ायदा होगा और आप एक बार देख लीजिए, चूँकि ये बस काफ़ी लास्ट है, हम लोग इसको ख़त्म कर लेंगे और जल्दी ही फिर हम लोग और भी जो हम लोग ग्रामर का जो भी हमारा पोर्शन चल रहा है वो हमारा बिल्कुल एज यूजल चलता रहेगा. तो चलिए, हम लोग बिना टाइम को ख़राब किए हम लोग शुरू करते हैं, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड शुरू करें. चलिए, सेक्शन 9, द स्टोरी ऑफ पोएट्री, और ये पेज नंबर है दोस्तों 30, इस बुक का पेज नंबर 30. ओके, चलिए आप भी बुक ले लीजिए, शुरू करिए. यू हैव रेड, रीड नहीं रेड, रीड रेड रेड, रीड बने पढ़ना, रेड रेड उसका V1 V2 V3. ओके, यू हैव रेड मैनी पोएम्स इन योर टेक्स्ट बुक्स. आपको ये बुक जो ऑथर है वो सवाल कर रहा है, कह रहा है कि आपने इस तरह के जो रेनबो पार्ट वन और पार्ट टू में, पार्ट वन हमारा 11th क्लास में था, पार्ट टू हम आपका 12th क्लास में था, कहते हैं रेनबो पार्ट वन और पार्ट टू में आपने इस तरह के बहुत सारे पोएम्स, बहुत सारे कविताएं क्या होंगी पढ़ी हैं. यू हैव रेड, आपने पढ़ी है. यू मस्ट हैव नोटिस्ड सर्टेन कॉमन थिंग्स इन देम, आपने उसमें बहुत सारी कॉमनिटीज, कॉमन चीज़ें, कॉमन बातें जो हर पोएम में पाई जाती है वो आपने देखी है. द मीनिंग ऑफ द वर्ड इन अ पोएम इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी फाइंड इन ए शॉर्ट स्टोरी और इन ए ड्रामा. कहते किसी एक वर्ड को ले लीजिए, कहते उस वर्ड की जो मीनिंग है, उसका जो अर्थ है, उसका जो माने है, अगर किसी एक पोएम में कुछ है तो वही माने को जरूरी नहीं है कि किसी जो ड्रामा में यूज़ हो रहा है वही होगा, या किसी क्या बोलते कि डिफरेंट स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी या ड्रामा में अगर वो इस्तेमाल होता है, वही वर्ड, सेम वर्ड जो कि पोएम में यूज़ हो रहा है उसका मीनिंग सेम नहीं भी रह सकता है, वो बदल भी सकता है. वही कर, द मीनिंग ऑफ वर्ड्स इन ए पोएम इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम, ये पूरी तरह से अलग होता है व्हाट वी फाइंड इन ए शॉर्ट स्टोरी, जो कि हम किसी शॉर्ट स्टोरी में पाते हैं, प्राप्त करते हैं, और इन ए ड्रामा, और किसी ड्रामा में. क्लियर है? कहने का मतलब ये है कि किसी पोएम में यदि हम किसी वर्ड का यूज़ करते हैं, उस वर्ड की जो मीनिंग होता है, कोई ज़रूरी नहीं कि वही मीनिंग किसी शॉर्ट स्टोरी में और किसी ड्रामा में सेम हो, वो अलग हो सकता है. ओके, हेयर यहाँ वर्ड्स आर यूज्ड नॉट जस्ट फॉर मीनिंग. कहते कि यहाँ जो है पोएम्स में जो है वर्ड्स का जो इस्तेमाल किया जाता है वो सिर्फ मीनिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बट ऑल्सो फॉर दियर साउंड एंड इमेजेस. सिर्फ मीनिंग के लिए, सिर्फ अर्थ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है वर्ड्स को, बल्कि उसके साउंड, उसकी आवाज़ और उसकी इमेज जो एक अक्स बनता है, एक इमेज बनता है ना, एक फोटोग्राफ जो मन में बनता है, उसका भी बहुत बड़ा हमको ख्याल रखना पड़ता है. लेट अस रिकॉल द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम W.H. Auden. कहते हैं कि चलो हम रिकॉल कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, कुछ दो चार लाइंस हैं नीचे, दो चार लाइंस हैं जो कि W.H. Auden ने लिखा था. क्या लिखा था? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, आपने ये चीज़ पढ़ा हुआ है. कह रहे नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सिस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट. ध्यान दीजिए, फास्ट लास्ट. नर्सिस टू द ग्रेव्स आर गॉन एंड द पोएम्स गो रोलिंग ऑन. तो ये जो लास्ट लास्ट में आप देख रहे हैं दोस्तों, इसको हम लोग हिंदी में काफिया और रदीफ कहते हैं उर्दू में, और ये जो इनका एक जो एक मीटर होता है, मीटर जिसम को उसको पोएम्स को मेज़र करते हैं, नापते हैं कि लास्ट में फास्ट आ रहा है, फिर लास्ट आ रहा है, फिर गॉन आ रहा है, फिर ऑन आ रहा है, तो एक मिलता जुलता है. तो इसी के बारे में ये लोग ये बात कर रहे हैं कि
जो भी हम किसी भी पोएम में यूज़ करते हैं ना, वो जो वर्ड होता है उसका जो मीनिंग होता है, वो सिर्फ वर्ड सिर्फ अपने मीनिंग पर डिपेंड नहीं रहता, वो अपने साउंड पर और अपनी इमेज पर, उसका जो इमेज बनता है दिमाग में, एक इमेज बनता है, उसका भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण उसका रोल है। तो हो सकता है कि उस वर्ड का जो मतलब है और वो जो इसमें है, क्या कहते हैं कि पोएम्स में है, वो ड्रामा और शॉर्ट स्टोरीज में अलग अलग हो सकता है। चलिए आगे बोल रहे, यू मस्ट हैव नोटिस द इमेजेस ऑफ लीव्स। कहते हैं कि आपने पक्का देखा होगा लीव्स, पत्तों की इमेज को देखा होगा, फोटो को देखा होगा। फ्लावर्स, ग्रेव्स एंड प्रेम्स, आपने फ्लावर्स, फूल के, पत्तों के, ग्रेव्स के, ग्रेव्स मीन्स होता है दोस्तों कबर, और प्रेम्स मीन्स वो एक तरह का कैरिज होता है जिसमें बच्चों को लेकर के हम लोग पुश करके चलते हैं, बच्चों को उसमें रखा जाता है। तो कहते हैं कि आपने ज़रूर देखा होगा, पत्तों का इमेज देखा होगा, फ्लावर्स का इमेज देखा होगा, ग्रेव्स का इमेज आपने आपके मन में आ रहा होगा, और प्रेम्स का भी आपके मन में आ रहा होगा। वाट अबाउट अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड्स, कहते हैं कि क्या कह सकते हैं हम, वाट अबाउट द अरेंजमेंट्स, ये जो वर्ड्स का जो अरेंजमेंट किया गया है, इसको सजाया गया है, इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं। इन सेपरेट लाइंस, अलग अलग लाइंस में, सेपरेट में अलग अलग लाइंस में, कतार अलग लाइंस में, विच राइम एट द एंड, जो कि एंड में क्या करता है, उसकी आवाज़ मिलती जुलती है, काफिया और रदीफ की तरह मिलता जुलता है। जैसे फास्ट है, फिर लास्ट है, गोन है, फिर ऑन है, ठीक है। डोंट यू थिंक, कहता क्या आप नहीं सोचते, दे टुगेदर सजेस्ट द साइक्लिक प्रोसेस ऑफ लाइफ एंड डेथ। क्या आपको नहीं लगता ये जो अभी हमने चार लाइनें पढ़ी हैं WH ऑर्डन का, जो व्हेन द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये जो चार लाइनें हैं, फॉलिंग फास्ट, विल नॉट लास्ट, आर गॉन, रोलिंग ऑन, ये क्या दिखाता है, एक तरह का साइकिल दिखाता है, चक्कर दिखाता है, घूम रहा है। क्या दिखा रहा है, पहले फॉलिंग फास्ट, गिर रहा है, विल नॉट लास्ट, नहीं रुकेगा, फिर कहता है ग्रेव्स आर गॉन, फिर बात करें रोलिंग ऑन, फिर तो इस तरह से चल रहा है। तो एक तरह का एक प्रोसेस है, एक तरह का तरीका है, एक तरह का विधि है, साइक्लिक प्रोसेस है, एक चक्रीय प्रोसेस है, एक चक्रीय प्रक्रिया है, किसका, लाइफ और डेथ का, जीवन और मृत्यु का, जिंदगी और मौत का। क्लियर दोस्तों, चलिए हम अगला पैरे में चलते हैं। यू मे बी इंटरेस्टेड इन हैविंग एन आइडिया ऑफ द टाइम व्हेन पोएट्री बिगेन टू बी रिटन इन इंग्लैंड। कहते हैं यू मे बी इंटरेस्टेड, कहते तुमको ऐसा रुचि हो सकता है, तुमको ऐसा इंटरेस्ट हो सकता है इन हैविंग एन आइडिया, कि उसके बारे में एक आइडिया रखने के, एक विचार, एक आइडिया है ना, आप रखना चाहते होंगे, ऑफ द टाइम, उस समय के बारे में, जब पोएट्री बिगेन टू बी रिटन, जब पोएट्री को लिखा जाने लगा था इंग्लैंड में जब पोएट्री को लिखा जाने लगा था, तब ये बात आपको, यू वाली जो है आपको समझ में आ रही होगी। पोएट्री स्टार्टेड इट्स जर्नी फ्रॉम द टाइम मैन यूज लैंग्वेज टू एक्सप्रेस हिज इमोशंस। कहता है दोस्तों कि जो पोएट्री है, ये जो कविताएं हैं, कविता का जो लेखन है, कविता का जो कहना है, ये स्टार्ट हो चुका था, शुरू हो चुका था, कब हुआ था, इसने इस कवि, इन कविताओं ने अपना जर्नी कब शुरू किया था, अपना सफ़र कब शुरू किया था, फ्रॉम द टाइम, उस समय से जब द मैन यूज लैंग्वेज, जब इंसानों ने, मनुष्य ने, मानवों ने क्या किया था, यूज लैंग्वेज, भाषा का इस्तेमाल किया था, टू एक्सप्रेस हिज इमोशंस, अपने इमोशंस को व्यक्त करने के लिए, अपने इमोशन को व्यक्त करने के लिए जब उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया था, तभी से पोएट्री का भी सफर शुरू हुआ था। इट बिगेन विद द बिगिनिंग ऑफ हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल ऑन द कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द एंग्लो नॉर्मन एंड एंग्लो सैक्सन पीरियड। इंग्लिश लैंग्वेज वॉज इन इट्स प्रिमिटिव फ्रॉम द ओल्ड इंग्लिश एज इट इज कॉल्ड हैड मैनी फ्रेंच एंड जर्मन वर्ड्स। लंबा सेंटेंस है, चलिए कहाँ चला गया। ओके, इट बिगेन विद द बिगिनिंग ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल ऑन द कॉन्टिनेंट। कहते हैं कि ये शुरू हुआ था, ये
पोएम की जो गाथा है, जो पोएम का जो लोगों के अपनों अपने इमोशंस को वर्ड्स में व्यक्त करने का जो प्रचलन है वो शुरू हुआ था। कब हुआ था? बिगिनिंग ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, अंग्रेजों के इतिहास के शुरुआत में, जब उसकी इतिहास का शुरुआत की शुरुआत हुई थी ऑन द कंटिनेंट, इस महादेश में, इस कंटिनेंट में। ड्यूरिंग द एंग्लो नॉर्मन एंड एंग्लो सैक्सन पीरियड, कहते कि एंग्लो नॉर्मन और एंग्लो सैक्सन पीरियड में, आपको पता है ना एंग्लो सैक्सन पीरियड, एंग्लो नॉर्मन पीरियड 1066 के बाद है ना, तो इस पीरियड में, इस काल में इंग्लिश लैंग्वेज वाज इन इट्स प्रिमिटिव फॉर्म, अंग्रेजी की जो लैंग्वेज है, अंग्रेजी जो भाषा है, अपने काफ़ी सबसे प्राथमिक स्टेज पर था, प्रिमिटिव स्टेज पर था, जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। बहुत छोटा था, बहुत ये जो इंग्लिश जो लैंग्वेज था बहुत बहुत एकदम प्रारंभिक प्राइमरी लेवल पे था, प्रिमिटिव माने प्राइमरी लेवल। ओके, द ओल्ड इंग्लिश, वह हम ओल्ड इंग्लिश की बात करेंगे, पुरानी इंग्लिश की बात करेंगे, एज इट इज़ कॉल्ड, जैसा कि इसको कहा जाता है, हैड मैनी फ्रेंच एंड जर्मन वर्ड्स, सिर्फ इसमें इंग्लिश वर्ड्स नहीं थे, इसमें बहुत सारे जर्मन वर्ड्स थे, बहुत सारे फ्रेंच वर्ड भी मौजूद थे। द पोएट्स टोल्ड द स्टोरीज ऑफ ग्रेट क्रूसेड्स, सी वॉवेजेस, जो पोएट्स थे, जो पोएम लिखते थे या कहते थे, वो लोग कहानियाँ कहते थे, स्टोरीज कहते थे, किसके? ग्रेट क्रूसेड्स, बड़े बड़े धर्म युद्धों के, जो चर्च के द्वारा जारी किया जाता था, वो धर्म युद्ध, वो जो हमको, जिसको हम क्रूसेड बोलते दोस्तों, वो चर्च के आदेश पे होता था। तो वही कहते कि वो जो क्रूसेड्स थे उनकी कहानियों को वो लोग लिखते थे अपने पोएम्स में। एंड सी वॉवेजेस, और समुद्री यात्राएं जो लोग करते थे, समुद्र में जो यात्राएं करते थे, वॉवेज माने समुद्री यात्रा, और समुद्री जो यात्रा करते थे उसकी कहानियां भी वो लोग अपने पोएम्स में व्यक्त करते थे, बयां करते थे, तब की बात थी। द टेल्स ऑफ किंग आर्थुर की कहानियां एंड हिज राउंड टेबल, किंग आर्थुर की कहानियां और उसका राउंड टेबल, ये पूरा एक ही चीज़ है, वर द रिजल्ट ऑफ दिस ट्रेंड, इसी ट्रेंड का एक क्या था, परिणाम था, जो सामने आया, जो पोएट्स ने इसके वो सामने में लाया। आर्थुर, किंग आर्थुर के बारे में कहानी लिखी गई थी एक पूरे पोएम में। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग देखते हैं। ड्यूरिंग द मिडिल इंग्लिश पीरियड, अगर हम मध्यकालीन युग को देखें, जब इंग्लिश का ये मध्यकाल था, वी नोटिस द एमर्जेंस ऑफ नेशनल लैंग्वेज, हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि राष्ट्रीय स्तर पर भाषा उभर कर सामने आ रही है, उसको इमर्ज हो रही है, वो आ रही है सामने, इमर्जेंस है, हो रहा है उसका। एंड लिटरेचर, और नेशनल लेवल पे लिटरेचर का भी विकास हो रहा है, हमने कब देखा था, मिडिल पीरियड में। इसी पीरियड में जफरे चौशर मेड ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन दिस रिगार्ड, चौशर का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा देन है इस क्षेत्र में। इन हिज द कंट्रीब्यूटरी टेल्स ही डिस्क्राइब्स द कंट्री, जफरे चौशर ने जब कंट्रीब्यूटरी टेल्स लिखा था तो उसमें उनने डिस्क्राइब किया था, उनने उसको वर्णन किया था, किसका वर्णन किया था, कंट्री का, जो देहात था, जो वहाँ के लोग थे और वहाँ के बिलीफ्स के बारे में, उसका फेथ क्या था, उसका विश्वास किस पर था, वो किस धर्म को, किस देवता को पूछते थे या फिर मानते थे, उस सारी चीज़ों को द कैंटरबरी टेल्स में जोफ्रे चौशर ने क्या क्या था, काफ़ी खूबसूरती के साथ लिखा हुआ है। द पीपल एंड देयर बिलीव्स, दीज थिंग्स स्टिल अपील टू अस, और ये चीज़ें आज भी हमको अपील करती हैं, आज भी हम, हमारे साथ जायज़ हैं, हम पर लागू होती हैं, आज भी हम पोएम्स को जो लिखते हैं किसी कंट्री, किसी देश के बारे में, कहीं के लोगों के बारे में, उसके बिलीफ्स के बारे में, और वहाँ के हालात के बारे में अपने पोएम्स में हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं, आज के जो पोएट्स हैं। द पोएम्स प्रेजेंट कैरेक्टर्स सच एज वाइफ ऑफ बाथ, ये जो पोएम है वो प्रेजेंट करता है, वो पेश करता है करेक्टर्स, ऐसे ऐसे करेक्टर्स को, ऐसे ऐसे पात्र को, सच एज, जैसा कि वाइफ ऑफ बैथ, बैथ की पत्नी, तो नॉबल नाइट, जो नेक, जो नाइट है,
नाइट मैंने होता है दोस्तों एक तरह का जो हम सरदार कहते हैं, किसी कबीले का सरदार होता है, इसको हम नाइट कहते हैं। द स्क्वायर अगेन जो 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 नाइट से छोटा होता है उसको हम लोग स्क्वायर कहते हैं। एंड द फ्रेयर वही चीज़ है। एंड द प्रायरेस वो जो नन होती हैं वो, हाँ नन लोग जो होते हैं उन्हीं में से एक होता है प्रायरेस। एंड अदर्स और बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे लोग, इन सारे कैरेक्टर्स को कैंटरबरी टेल्स में जेफ्रे चौसर के द्वारा वर्णन किया गया है। दे स्टिल अम्यूज अस बिकॉज ऑफ देयर पिक्यूलियरिटीज। आज भी अगर हम इसको पढ़ें तो आज भी हमको ये अच्छा लगेगा, हमारा मन बहलेगा, ये हमको अम्यूज करेगा। अम्यूज बने होता है दोस्तों मन बहलाना, मनोरंजन करना। बिकॉज ऑफ देयर पिक्यूलियरिटीज, उनके में कुछ ऐसी खास बातें, ऐसी ट्रेट्स हैं इन चीज़ों में कि हमारा मन आज भी अगर हम इसको पढ़ें तो हमारा मन बहल जाएगा। इन दिस पोएटिक वर्क्स, चौसर के इन पोएटिक वर्क्स में वो जो कविताएं, कविता कार्य उन्होंने किया, कविता लिखने का काम उन्होंने किया, उनके कविताओं में चौसर डिड नॉट यूज द ओल्ड इंग्लिश। चौसर ने ओल्ड इंग्लिश का इस्तेमाल नहीं किया, है ना। इरेगुलर लाइन्स एंड अलिट्रेशंस, उनने इरेगुलर लाइन्स का, है ना, और अलिट्रेशन का इस्तेमाल नहीं किया। अलिट्रेशन बोलते हैं दोस्तों जब कोई वर्ड मान लीजिए पी से शुरू होता है तो फिर वो पी से दूसरा वर्ड भी शुरू होगा, फिर अगला वर्ड भी पी से शुरू होगा। जैसे यहाँ दिया हुआ द रिम रैम रॉफ, आर से रिम भी शुरू हो रहा, रैम भी शुरू हो रहा और रॉफ भी शुरू हो रहा, है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, अलिट्रेशन, ठीक है। इसका इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया। एज ही ह्यूमरसली कॉल्स इट, जैसा कि वो मजाक में, ह्यूमर माने मजाक में इसको कहता है द रिम रैम रॉफ। कौन कहता है? चौसर, ठीक है। अनदर इम्पॉर्टेंट पोएट ऑफ द टाइम वॉज, इस टाइम का, इस शुरुआती दौर का जो दूसरा जो पोएट था, बहुत बड़ा पोएट था, वो था विलियम लैंगलैंड। कौन था? चौसर के अलावा विलियम लैंगलैंड था। हिज द विजन ऑफ पियर्स द प्लोमन, कहता है कि उसका जो उसने उन्हें जो उनकी जो रचना थी, क्या रचना थी उनकी, लैंगलैंड की, द विजन ऑफ पियर्स एंड प्लोमन। पियर्स और प्लोमन के विजन, विजन माने उसका विजन, वो क्या सोचता है, उसकी दूरंदेशी क्या है, उसके मन में किसी भी चीज़ का किस तरह विजन है। कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ ड्रीम्स एंड विजन्स, ये एक तरह का सीरीज है, एक तरह का सिलसिला है, किस तरह का, ड्रीम विजन्स, जिसको हम लोग बोलते हैं स्वप्न दृश्य। उनके दिमाग में एक स्वप्न का एक दृश्य है, नज़ारा है, एक सीरीज है। द विजन ऑफ पियर्स एंड प्लोमन कंसिस्ट से सीरीज ऑफ ड्रीम्स विजन्स इन दिस पोएम, इस पोएम में ही अटैक्स द सोशल इल्स। वो क्या करता है? सामाजिक बुराइयों को उजागर करता है, अटैक करता है, उस पर आक्रमण करता है। अर्जेस मैन, और लोगों से कहता है, अर्ज करता है, उसको जोर देकर कहता है, क्या कहता है, लर्न टू लव, कि प्यार करना सीखो। कौन कहता है? लैंगलैंड, विलियम लैंगलैंड, अपने पोएम में द विजन ऑफ पियर्स एंड प्लोमन। क्लियर है? ओके। इट मे बी सरप्राइजिंग फॉर यू, कहता है ये तुम्हारे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग हो सकता है, काफ़ी हैरत करने वाली बात हो सकती है कि नियरली 200 इयर्स आफ्टर चौसर, कि चौसर के 200 साल के बाद देर वॉज नो ग्रेट लिटरेरी वर्क, कोई भी लिटरेचर में कोई भी बड़ा काम नहीं हुआ इंग्लैंड में। वर्क ग्रेट लिटरेरी वर्क प्रोड्यूस इन इंग्लैंड, नहीं हुआ कोई बड़े से बड़ा काम जो है लिटरेचर का, वहां नहीं हुआ। ओके। कोई भी बड़े से बड़ा काम लिटरेचर का वहां नहीं हुआ। वन इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन इज सर थॉमस, उसमें से एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, अपवाद है, कौन है? वह है सर थॉमस मैलोरीज ली मॉर्ट डी आर्थर। यही है सर थॉमस मैलोरी ने यही लिखा था पोएम। हालांकि काफ़ी 200 साल तक चौसर के जाने के बाद ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन यह एक्सेप्शन है, अपवाद में है, कौन? सर थॉमस। ओके दोस्तों।
तो ये कह रहे हैं, सिंपली कह रहे हैं कि पोएम जो है, ये जो हिस्ट्री ऑफ पोएट्री है, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, जब प्रीमिटिव स्टेज पे था, एंग्लो सैक्सन्स के ज़माने में था, ओल्ड इंग्लिश में था, तो ओल्ड इंग्लिश में तो ये कुछ ऐसा था ही नहीं, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली वहाँ भी धीरे धीरे जो इंग्लिश की भाषा थी वो लैटिन और उसमें है ना दूसरी भाषाओं उसमें लैटिन और फ्रेंच का जो जर्मन और फ्रेंच के जो वर्ड्स उसमें घुसे हुए थे वही जो है इंग्लिश का जो अपना कुछ था वो बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं था। तो उन्हीं का इस्तेमाल करके वहाँ के कुछ पोएट्स ने स्लोली एंड ग्रेजुअली वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के लोगों के धार्मिक विचारों के बारे में लिखना शुरू किया, और जब लिखना शुरू किया ये तो धीरे धीरे ये पोएम्स के का रूप लेते चला गया, और ये प्रीमिटिव एज से होकर आज तक ये होता चला आ रहा है। और वही चीज़ आज भी हमें अपील करता है कि हम कहीं के बारे में, कहीं के लोगों के बारे में, वहाँ के धार्मिक विचारों के बारे में, वहाँ के फेथ्स के बारे में, बिलीफ्स के बारे में, वहाँ के लोगों के रहन सहन के बारे में, और वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, उनका पॉलिटिकल एफिलिएशन क्या है, वो पॉलिटिकली क्या चाहते हैं, इस तरह के पोएम्स भी आज के ज़माने में लोग लिख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले तरफ। ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी इन कहते हैं कि 15वीं शताब्दी में है ना, एन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट कॉल्ड द रेनेसेंस स्विफ्ट यूरोप, कहते पूरे यूरोप में छा गया, पूरे यूरोप को स्वीप कर लिया, किसने, एक मूवमेंट हुआ, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक एक मूवमेंट चला था, उसका नाम था रेनेसेंस, पुनर्जागरण, इसको हम हिंदी में बोलते हैं पुनर्जागरण चला था, पूरे यूरोप में ये बिल्कुल फैल गया। द वर्ड रेनेसेंस मीन्स रिबर्थ, अगर वर्ड रेनेसेंस के बारे में बात करें तो इसका मतलब होता है पुनर्जागरण, हालांकि इसमें लिखा हुआ रिबर्थ, पुनर्जन्म नहीं दोस्तों पुनर्जागरण होता है। एंड रिफर्स टू रिवाइवल ऑफ एंशियंट ग्रीक लर्निंग, और ये क्या करता है, जो पुराना प्राचीन जो ग्रीक का लर्निंग था, यूनान का जो सीख थी, उसी को रिवाइव करने की कोशिश की गई थी, उसी को दोबारा जिंदा करने की कोशिश की गई थी। द स्प्रिड ऑफ लर्निंग वॉज एडेड बाई द प्रिंटिंग प्रेस। अब एक मज़े वाली बात यह है दोस्तों कि जैसी प्रिंटिंग प्रेस आया, 1476 में आया था प्रिंटिंग प्रेस, और प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद ये जो लर्निंग का जो सिलसिला है वो काफ़ी तेज़ी के साथ फैलने लगा। प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स वगैरह से ये काफ़ी बटने लगे, फैलने लगा, तो लोगों में पढ़ने की जो उसके अंदर जो ईगरनेस था वो बिल्कुल खुलकर सामने आया, और लोगों ने पढ़ना भी चालू किया, इस तरह से भाग भी लेना चालू किया, पोएम्स हो चाहे कोई चीज़ हो, स्लोली एंड ग्रेजुअली ये उसके साथ होता चला गया। द स्प्रेड ऑफ लर्निंग वॉज एडेड बाई द प्रिंटिंग प्रेसेस, दिस मेड द क्लासिक्स अवेलेबल फॉर द कॉमन मैन, और यही जो इसी घटना ने, इसी प्रिंटिंग प्रेस के ईजाद ने, इसी प्रिंटिंग प्रेस के आगमन ने किया, क्या किया, मेड द क्लासिक्स जो है, जो क्लासिक लिटरेचर है, जो क्लासिक पोएम्स हैं वगैरह वगैरह है, वो सारा का सारा एक कॉमन मैन के लिए, एक जनरल आदमी के लिए क्या किया, अवेलेबल करवा दिया, दस्तियाब करवा दिया, उपलब्ध करवा दिया। दिस जनरेटेड ए न्यू स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, इस घटना ने जनरेट किया, पैदा किया एक न्यू स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, पूछताछ का एक नया स्पिरिट, जज्बा, एक नया क्या बोलते हैं उसको, एक नया ख्वाहिश पैदा किया लोगों में। एंड ओवरथ्रो द इंस्टीट्यूशंस एंड बिलीव्स ऑफ द मेडिवल एज, और जो मध्यकालीन युग का जो बिलीव्स था, जो यकीन था, जो इंस्टीट्यूशंस थे, जो 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 इंस्टीट्यूशन थे, इदारे थे, जो संस्थान थे, उनको उनने क्या किया, ओवरथ्रो कर दिया, छोड़ दिया, उनको ड्रॉप कर दिया, उनको छोड़ करके नई सोच की तरफ, नए सवालों की तरफ वो लोग दौड़ पड़े, वो उन्होंने एक स्पिरिट उनके अंदर आया, एक 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 बिल्कुल एक एक तरह का जज्बा उन लोगों में आया कि कुछ चीज़ें पूछी जानी चाहिए, कुछ नया जनरेट करने के लिए उसके मन में ये बात आई, पकड़ में आ रही बात, ओके।
इन इंग्लैंड, अगर हम इंग्लैंड की बात करें, द इन्फ्लुएंस ऑफ द रेनेसेंस वॉज फेल्ट क्लियरली ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम द एक्सेशन ऑफ एलिजाबेथ इन 1558 टू द डेथ ऑफ जेम्स वन इन 1625। कहते इंग्लैंड में जो इन्फ्लुएंस है इसका, रेनेसेंस का, जो पुनर्जागरण का जो प्रभाव है, जो असर है, बहुत महसूस किया गया, वॉज फेल्ट क्लियरली, अच्छी तरह से महसूस किया गया ड्यूरिंग द पीरियड, किस पीरियड में, किस काल में, फ्रॉम द एक्सेशन ऑफ एलिजाबेथ इन 1558, जब एलिजाबेथन जो एज था 1558 से शुरू होकर के टू द डेथ ऑफ जेम्स वन जो है 1625 में, जो उनका 1558 से 1625 तक इनका क्या रहा, काफ़ी ये रहा, क्या बोलते हैं, इस रिलेशंस को फील किया गया, महसूस किया गया, लोगों ने इसको अपने में लिया 1558 से। ओके, अंडर एलिजाबेथ्स ब्रिलियंट रूल, एलिजाबेथ के बहुत ही शानदार हुकूमत, बहुत ही शानदार राज है ना, के में इंग्लैंड एक्सपीरियंस इंटरनल पीस, इंग्लैंड में आंतरिक शांति थी, एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, और आर्थिक रूप से इंग्लैंड क्या था, संपन्न था, प्रॉस्पर था, फलते फूलते था, प्रॉस्पेरिटी थी उसमें, एंड इमर्ज्ड अ वर्ल्ड पावर, और इंग्लैंड एक दुनिया में एक सांसारिक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया था। द थ्री ग्रेट पोएट्स ऑफ द टाइम, इसी समय का तीन सबसे बड़े पोएट्स थे, कवि थे, वो कौन कौन थे, क्रिस्टोफर मार्लो, एडमंड स्पेंसर एंड विलियम शेक्सपियर। दे प्रैक्टिस्ड एंड परफेक्टेड सेवरल काइंड्स ऑफ वर्स फॉर्म्स सच एज एपिक रोमांस। उन लोगों ने क्या क्या प्रैक्टिस किया, लिखा एंड परफेक्टेड, और उसमें पूर्णता प्राप्त किया सेवरल काइंड्स ऑफ वर्स फॉर्म्स, कई तरह के वर्स फॉर्म्स को उन्होंने लिखा, कई तरह के पोएम्स, कई तरह के वर्स को उन्होंने लिखा, एक्सपेरिमेंट किया, सच एज एपिक रोमांस, उन्हें एपिक रोमांस, रोमांस मीन्स होता है दोस्तों, हम इसको कह सकते हैं एक तरह का क्या बोलते हैं इसको हम लोग, अफेयर कह सकते हैं इसको, अगर हम अफेयर न कहें तो स्ट्रॉन्ग जो बिलीफ है हम उसके बारे में कह सकते हैं। कहाँ चला गया दोस्तों, एपिक रोमांस है ना, एपिक रोमांस के बारे में, पेस्टोरल के बारे में लिखा, पेस्टोरल बोलते हैं दोस्तों वैसे पोएम्स जो बकरियां चराते हैं उनके लाइफ के बारे में और उनके मैनर्स के बारे में क्या करता है, डिस्क्रिप्शन देता है, डिस्क्राइब करता है, ऐसे को हम लोग बोलते हैं पेस्टोरल पोएम्स। एलिजी में जो हम लोग उसको तो बोलते हैं दोस्तों मर्सिया, शोक गीत है ना, सोनेट जो 14 लाइंस का होता है, सेस्टेट एंड ऑक्टेव है ना, ऑक्टेव एंड सेस्टेट, लिरिक्स जो लोग समाजी, सोशल, पॉलिटिकल, फिल्मी, इस तरह के कुछ मन में जो उनका सब्जेक्टिव वे में उभर के सामने आता है, पर्सनल रूप से कुछ चीज़ें लिखते हैं, कलम से लिखते हैं, उसको हम लोग लिरिक्स बोलते हैं। तो और सटायर और व्यंग, इसको हम तंज कहते हैं, इस तरह की भी चीज़ों का सामने आना हुआ इस दौर में, किस दौर में, एलिजाबेथन एज में। ओके, मार्लो वाज बेसिकली ए लिरिक पोएट, मार्लो जो था वो एक बेसिकली अगर बुनियादी रूप से देखा जाए तो वो एक लिरिक्स पोएट था, वो लिखता था, वो है ना लिरिक्स लिखता था। इवन हिज प्लेज लाइक टम्बरलेन द ग्रेट, डॉक्टर फोस्टस एंड एडवर्ड सेकेंड रिवील हिज इमेजिनेटिव अप्रोच। कहते ये जो जितनी भी चीज़ें हैं जो मार्लो ने लिखा है, जैसे टम्बरलेन द ग्रेट, डॉक्टर फोस्टस एंड एडवर्ड सेकेंड, ये क्या लिखा है, रिवील हिज इमेजिनेटिव अप्रोच, उसके इमेजिनेटिव सोचने की जो अप्रोच है, पहुँच है, उसके जो कल्पना की जो उड़ान है उसको क्या करता है, दर्शाता है। एंड क्वेस्ट फॉर आइडियाज, और क्वेस्ट खोज के बारे में बताता है, आइडियाज़ के खोज के बारे में कि किस किस तरह से उनके मन में आइडियाज़ खोज कर आते हैं, ये बताता है कि मार्लो ने किस तरह से इन चीज़ों को लिखा है, क्वेस्ट ऑफ आइडियाज़ एंड देन इमेजिनेटिव अप्रोच,
कि उसका काल्पनिक शक्ति कहाँ तक पहुँच पाती है, यही वो इस चीज़ को दर्शाता है। क्लियर है दोस्तों? चलिए, हिज बेस्ट नोन वर्क, देखिए थोड़ा सा बोरिंग सा लग रहा होगा क्योंकि एक स्टोरी है, स्टोरी ऑफ पोएम है, कैसे शुरू हुआ था, तो चलिए आप एक बार देख लीजिए। हिज बेस्ट नोन वर्क द फेरी क्वीन इज अ रोमांटिक एपिक बेस्ड ऑन शिवालरी। कहता है कि उसका जो सबसे बेहतरीन जो वर्क है, काम है, उसका फेरी क्वीन है, एक रोमांटिक एपिक है, महाकाव्य है जो शिवालरी पे बेस्ड है, जो बहादुरी और शौर्य पर क्या है, आधारित है। इट इज ऑल्सो रेड फॉर इट्स एलोगोरिकल मीनिंग, है ना, इसको ऑल्सो रेड, इसको ऐसे भी पढ़ा जाता है, किसको, फेरी क्वीन को, क्योंकि इसमें एलोगोरिकल मीनिंग है। एलोगोरी हम लोग बोलते हैं दोस्तों ऐसे पोएम को, चित्रों के द्वारा हर चीज को एक्सप्लेन किया जाता है, चित्रों के द्वारा, इसको बोलते हैं हम लोग एलोगोरिकल, है ना, एलोगोरिकल मीनिंग एंड डिजाइन। उसका डिजाइन इतना अच्छा है, उसकी एलोगोरी इतनी अच्छी है कि चित्र को देखते ही हमको सारी बातें समझ में आ जाती हैं। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, इस नजरिए से अगर देखें, इस विचार से अगर देखें, द पोएम पोर्ट्रेज द पॉलिटिकल एंड रिलीजियस प्रॉब्लम्स ऑफ द एज। ये जो पोएम है, ये जो कविता है, दर्शाता है, पोर्ट्रे करता है, क्या पोर्ट्रे करता है, पॉलिटिकल, सियासी मीन्स राजनीतिक और धार्मिक प्रॉब्लम को, समस्याओं को, इस दौर के धार्मिक और पॉलिटिकल समस्याओं को क्या करता है, ये पोएम दर्शाता है, किसका, मार्लो का। शेक्सपियर वॉज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ दिस ऑफ द एज। और यही नहीं, अगर शेक्सपियर की बात करें तो इस एज का शेक्सपियर सबसे बड़ा पोएट उभर करके सामने आता है इन हिज रोमांटिक कॉमेडीज। और हम अगर उसकी रोमांटिक कॉमेडीज के बारे में बात करें, रोमांटिक कॉमेडी हम लोग बोलते हैं दोस्तों ऐसे कॉमेडीज जहाँ रोमांस का रोमांटिक वे में होता है, है ना। जैसे मान लीजिए रोमांटिक, जैसे हम अगर हम ड्रामा की बात करें, रोमांटिक कॉमेडीज, है ना, रोमांटिक थ्रिलर, है ना, उसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं सस्पेंस थ्रिलर, रोमांटिक थ्रिलर, सस्पेंस थ्रिलर, रोमांटिक कॉमेडी, रोमांटिक ट्रेजडी तो नहीं होता, हाँ रोमांटिक ट्रेजडी हो सकता है, रोमांटिक कॉमेडी। दोस्तों अपनी एक फिल्म देखी है हाउसफुल, नहीं देखी, आपने रेस देखी है, रेस, ये देखिए फिल्मों का, अगर फिल्मों को भी लेना, इसमें भी ये चीज़ लागू होगा। अगर हम लोग रोमांटिक कॉमेडी की बात करें तो आप हाउसफुल देख लीजिए अक्षय कुमार का। अगर हम क्या बोलते हैं रोमांटिक थ्रिलर देखना चाहते हैं तो रोमांटिक थ्रिलर में हम लोग देख लेते हैं क्या, हाँ रोमांटिक थ्रिलर तो वही है, रोमांटिक कॉमेडी भी है। अगर हम रोमांटिक कॉमेडी की बात करें तो हाउसफुल है, और अगर रोमांटिक थ्रिलर की बात करें तो रेस देख लीजिए सर, रोमांटिक थ्रिलर है, कब क्या, और आप एकदम थ्रिल कर देता है, हर चीज़ को दिलचस्प बना देता है, बदल जाता है सब कुछ, ये है रोमांटिक थ्रिलर। और सिर्फ अगर हम बात करें ट्रेजडी की बात करें, अगर हम लोग ट्रेजडी रोमांटिक ट्रेजडी की बात करें तो आपने शाहरुख खान की देवदास तो देखी होगी, ट्रेजिक है, रोमांटिक है, रोमांस है, बट ट्रेजिक है, उसका जो एंड है बहुत ही ख़राब होता है। ठीक है दोस्तों, और चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। तो शेक्सपियर ने जो भी लिखा है वो रोमांटिक कॉमेडीज़ हैं, ट्रेजडीज़ हैं, ही प्रेजेंट्स द रेनेसेंस कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री विल। यही नहीं अपने रोमांटिक कॉमेडीज़ में एंड ट्रेजडीज़ में सुखांत और दुखांत, जो ड्रामा सुख में ख़त्म होता है कॉमेडी, जो दुख में ख़त्म होता है ट्रेजडी, तो एनी प्रेजेंस, और वो क्या करता, और भी प्रस्तुत करता है रेनेसेंस कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री विल, पुनर्जागरण का जो कॉन्सेप्ट है, क्या है, फ्री विल, फ्री, आप फ्री हैं, आप अपनी बात कहने के लिए फ्री हैं, है ना, ह्यूमन डेस्टिनी, इंसान, मानव का जो किस्मत है, मानव का जो डेस्टिनी है, इज शेप्ड बाय ह्यूमन एक्शंस देमसेल्व्स। वो कहते हैं शेक्सपियर कि इंसान का जो तकदीर है वो इंसान खुद अपने एक्शन से, अपने कामों से, ह्यूमन एक्शन से, मानव खुद अपने कामों से उसको क्या कर सकता है, बना सकता है, खुद स्वयं देमसेल्व्स। गॉड और फेट, भगवान या फेट,
किस्मत नसीब डज नॉट इन्फ्लुएंस इट, इस चीज़ को इन्फ्लुएंस नहीं करता है, वो डिपेंड करता है इंसान के एक्शन पर, इंसान के कार्य पर। वो इंसान अगर काम करेगा तो उसका किस्मत, उसकी डेस्टिनी भी बदल जाएगी। हिज ट्रेजडीज, शेक्सपियर की जो ट्रेजडीज हैं, स्पेशली ओथेलो, हेमलेट, मैकबेथ, किंग लेयर, आपने सारा पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे अच्छे ये नॉवेल्स हैं, है ना। कंटेन फ्री पोएटिक, फाइन पोएटिक पैसेजेस, इसमें पोएटिक जो पैसेजेस हैं, बहुत ही खूबसूरत पैसेजेस हैं इसमें, अगर आप पढ़िएगा तो। रिटन इन ब्लैंक वर्स दे एक्सप्लोर द वर्किंग ऑफ ह्यूमन पैशन एंड इमोशंस। अब दोस्तों ये जो लिखा हुआ है ब्लैंक वर्स में लिखा हुआ है, अब कहिए सर ब्लैंक वर्स क्या है, तो आप देखिए गाने जो आप देखते हैं लास्ट में, मिल गया, खो गया, दिल गया, हिल गया, ये सब क्या है, ये सब उर्दू में हम लोग इसको बोलते हैं काफिया और रदीफ। लास्ट में मिलता है, मिल गया, हिल गया, खिल गया, ये क्या है, आवाज़ मिलती है, जिसमें ये आवाज़ें नहीं मिलती हैं उसको हम लोग बोलते हैं ब्लैंक वर्स। कहानी पकड़ में आ गई, ब्लैंक वर्स। तो बहुत सारी ये जो हैं शेक्सपियर ने ब्लैंक वर्स में लिखा है। ओके, वर्किंग फॉर ह्यूमन पैशन एंड इमोशंस, मानव के इमोशंस और पैशंस दोनों को लेकर के उनने उसमें उसका एक्सप्लोर किया है, उसने उसको दिखाया है। शेक्सपियर हैज़ टू हिज क्रेडिट टू नैरेटिव पोएम्स, दो नैरेटिव पोएम्स हैं जो जिसका वर्णन अच्छी तरह से किया है किन्ने, शेक्सपियर ने, वह विनस एंड एडोनिस, दूसरा है लुक्रेसी एंड सीक्वेंस ऑफ 154 ऑफ सोनेट्स, और 154 जो सोनेट्स हैं वो भी शेक्सपियर के खाते में ही आते हैं। दिस सोनेट्स डील विद ट्रेजिक फेलियर इन लव एंड ब्रोकन फ्रेंडशिप, और ये जो सोनेट्स हैं, ये जो आपके 14 लाइंस के जो बैलेट्स लिखे हुए हैं, ये डील करते हैं किस चीज़ में डील करते हैं, ट्रेजिक फेलियर ऑफ इन लव एंड ब्रोकन फ्रेंडशिप, टूटी हुई दोस्ती और जो प्रेम में जो असफलता मिलती है, इसी के बारे में इन सोनेट्स में बताया गया है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट ही डिवलप्ड हिज ओन स्ट्रक्चर एंड राइम, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि दैट ही डिवलप्ड हिज ओन, शेक्सपियर ने डेवलप किया, बनाया खुद से अपना स्ट्रक्चर, अपना संरचना एंड राइम स्कीम ऑफ सोनेट्स, उन सोनेट्स का जो 14 लाइन्स के पोएम थे उनका राइम स्कीम उनने खुद बनाया। राइम स्कीम कब क्या होना चाहिए, चलिए, यू आर करेक्ट इन योर गेस एंड दिस हिज सोनेट्स आर कॉल्ड शेक्सपियर सोनेट्स बिकॉज ऑफ द रीज़न, इसी रीज़न के कारण शेक्सपियर के सोनेट्स को शेक्सपियरियन सोनेट्स कहा जाता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इट वॉज द टाइम वेन पोएट्री बिगन टू पब्लिश इन एंथोलॉजीज, ये वो टाइम था जब पोएट्री को, पोएम्स को, कविताओं को पब्लिश किया जाने लगा था एंथोलॉजीज में। एंथोलॉजीज, अब एंथोलॉजी क्या है सर, वैसे एंथोलॉजी का मीनिंग तो होता है कि सर स्टडी ऑफ फ्लावर्स, जिस विज्ञान में हम लोग फूलों के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एंथोलॉजी। लेकिन एंथोलॉजी हम अगर लिटरेचर की बात करें सर, तो कलेक्शन ऑफ लिटरेरी वर्क्स, चाहे पोएम्स हो, स्टोरीज हो, शॉर्ट स्टोरीज हो, जितनी भी हो, सबको जब हम एक साथ कलेक्ट करते हैं तो इस कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या, एंथोलॉजी। ओके, इट वॉज द टाइम वन पोएट्री बिगेन टू बी पब्लिश्ड इन एंथोलॉजीज, तब वो टाइम था जब इन पोएट्री को एंथोलॉजीज के रूप में क्या किया जाने लगा था, पब्लिश किया जाने लगा था। द बेस्ट नोन ऑफ दीज इज टोटल्स मिसलेनी, ये सबसे उसमें से जो बढ़िया था वो था टोटल्स मिसलेनी, जो 1557 में पब्लिश हुआ था। टोटल माने होता है जो लड़खड़ा कर चलते छोटे बच्चे, टोटल या टोटर, TOTTLE, टोटल, दोनों का मीनिंग सेम है, लड़खड़ा कर चलना, बच्चों की तरह चलना। ओके, वॉकिंग मेवरिंगली, ओके ठीक है। इट कंटेन सॉन्ग्स एंड सोनेट्स ऑफ पोएट लाइक वयाट एंड सरे, इसमें जो टोटल्स मिसलेनी है सब इसमें मिला जुला था।
जैसे कोई शुरू करता है तो वो मिले जुले सारे हर तरह के लिटरेरी वर्क होते हैं उसमें, सॉन्ग्स थे, सोनेट्स थे, सारे के सारे चीज़ें थी इसमें, ऑफ द पोएट्स लाइक वेट एंड सरे, वेट एंड सरे के इसमें पोएम, इस तरह के पोएम्स थे। दे अडोप्टेड द इटालियन सोनेट ऑफ इंग्लिश यूज, और उनने अडोप्ट किया था, अपनाया था किस चीज़ को, इटालियन सोनेट्स को इंग्लिश यूज़ के लिए। अ थर्ड नोबल मैन विद द टैलेंट फॉर राइटिंग वाज सर फिलिप सिडनी। ये जो तीसरा जो व्यक्ति था, सज्जन था, नोबल मैन था, वो जो टैलेंट का नोबल मैन था, जो लिखने वाला नोबल मैन था, वो था सर फिलिप सिडनी। उनने भी इस दौर में अपना टैलेंट का शो किया था। ही रोट अ ब्यूटीफुल सोनेट, उसने बहुत ही अच्छा एक सोनेट लिखा था, एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, 1591 में। किन्ने लिखा था? सर फिलिप सिडनी ने। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा हम और देख लेते हैं, चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा सा हो रहा है, तो चलिए हम इसी के साथ इस वीडियो को क्लोज करते हैं। हम लोग बिल्कुल पेज नंबर 31 के लास्ट तक पहुँच चुके हैं, और हम इसका अगला वीडियो स्टोरी ऑफ पोएट्री का हम लोग आगे आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप इसको देखिए, जो जो आपको लगे, जो समझ में नहीं आए, वो हमें आप कमेंट करके बताइए। सिंपल बात है दोस्तों, ये स्टोरी ऑफ पोएट्री, पोएट्री की शुरुआत कैसे हुई, पोएट्री की कहानी, पोएट्री का इतिहास कैसे शुरू हुआ, ओल्ड इंग्लिश में क्या हुआ, मिडिल इंग्लिश में क्या हुआ, आज मॉडर्न इंग्लिश में क्या हाल है, तो हम स्लोली एंड ग्रेजुअली बिल्कुल शेक्सपियर, चौसर और मार्लो और आज के जो मॉडर्न जितने भी पोएट्स हैं इनके बारे में भी हम लोग जिक्र करते चलेंगे। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई थी और किधर को ये जा रही है, तो चलिए इसी के साथ हम इसको बंद करते हैं, क्लोज करते हैं। बहुत ही जल्दी आपके लिए स्टोरी ऑफ इंग्लिश के साथ हम लोग हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, और बहुत ही जल्दी मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, थैंक यू, बाय, टेक केयर।